आप मुझे वन थाउजेंड रुपये दीजिए मैं आपके अकाउंट पर रील्स बोनसेस ऑप्शन शो करके दूंगा गारंटी के साथ गैज़ आप सभी को पता है टेक्निकल सेप आज तक आपकी फ्री में हेल्प करता आया है और आज तक आपके साथ कोई भी स्कैम नहीं किया और जो भी हेल्प की है हमेशा फ्री में की है चाहे उसका कितना भी पैसा लगता हो मैंने वो हेल्प आपकी फ्री में की है चाहे उसमें पैसा मुझे खुद देना पड़ा हो मैंने आज तक आप लोगों से एक भी रुपया नहीं लिया थमनेल में और स्टार्टिंग में जो मैंने लाइन बोली है आपको लग रहा है कि सेफ पैसे लेगा पैसे लेकर हज़ार रुपये लेकर आपके अकाउंट पर बोनस ऑप्शन देगा नहीं ये बहुत गलत बात है मैं आपकी हेल्प हमेशा फ्री में करता हूं मैं आपसे एक भी रुपया नहीं लेता हेल्प मैं इसलिए करता हूं बिकॉज आप लोग मेरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हो अब यहां पर हैकर्स ने अपनी ऐसी ते करवा के रखा हुआ है इंस्टाग्राम पर मैं ऐसे ही बोलूंगा गैस हैकरस को बिकॉज बहुत सारे लोगों को उन्होंने नुकसान पहुंचा दिया जो कि मेरे सब्सक्राइबर भी है जिनको नुकसान पहुंच चुका अब मेरे को बर्दाश्त नहीं हो रहा है और ये जो आप देख रहे हो अगर आपके साथ ऐसी हरकत नहीं हुआ मैं नहीं चाहता कि आपके साथ भी ऐसी हरकत हो आपका अकाउंट हैक हो जाए एक केस अभी आज का है मेरे पास वो तो मैं आपको दिखाऊंगा आपको भी थोड़ा दुख होगा और उस केस में मैं फंसा हुआ हूँ बिना बात गैस मैं आपको सारी बातें बताऊंगा कैसे कैसे क्या हुआ है देखो सबसे पहले अगर आपको बोनस ऑप्शन चाहिए आप लोग बोनसेस ऑप्शन के पीछे इतना ज्यादा पागल हो रखे हो कि अगर रिल्स पर बोनस नहीं है तो आपका अकाउंट बर्बाद है आपका अकाउंट कुछ नहीं है आपको ऐसा लग रहा है रील्स बोनसेस ऑप्शन सबको मिलेगा वेट करो ठीक अभी कोई भी ऑफिशियल अपडेट नहीं है कोई भी यूट्यूबर अगर वीडियो बना रहा है इसके ऊपर तो मैं आपको साफ साफ बता रहा हूँ उसको बनाने दो भाई मुझे किसी भी यूट्यूबर से ऐड नहीं है लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कोई भी ऑफिशियल अपडेट नहीं है इंस्टाग्राम की ओर से कि बोनसेस ऑप्शन सबको एक साथ दिया जाएगा या कुछ डेट वगैरह फिक्स कर दी गई हो ऐसा कुछ भी नहीं है ऐसा जब भी कोई ऑफिशियल अपडेट आता है मैं आपको बता दूंगा वैसे रील्स बोनसेस ठीक सेज सेज मिलता जा रहा है सभी को एकदम से नहीं मिल रहा है और जब बोनस ऑप्शन आपको मिलता है guys, आपको मैं बताता हूँ तो बोनस ऑप्शन जब आपको दिया जाएगा आपको आपके इंस्टाग्राम अकाउंट पर जब आप अपने अकाउंट पर विजिट करोगे ऊपर की ओर एक नोटिफिकेशन आ जाएगा या आपके अकाउंट के फीड सेक्शन में नोटिफिकेशन आ जाएगा या फिर आप अपने अकाउंट पर रील्स वीडियो देख रहे हो तो वहां पर आपको एक नोटिफिकेशन आ जाएगा पॉपअप टाइप आपको पता चल जाएगा कि मुझे रील्स बोनेसेस मिल गया इस तरह से उसके लिए आपको कोई भी ट्रिक लगानी नहीं होती और कोई भी ऐसा बंदा नहीं है कि वो आपका अकाउंट लेकर आपके अकाउंट पर ट्रिक लगा के बोनस ऑप्शन शो कर देगा कुछ लोग अभी के टाइम में हरकत कर रहे हैं वीपिन वगैरह क्या कर रहे हैं कुछ हरकत कर रहे हैं जिसकी हेल्प से वो बोनस ऑप्शन शो करते हैं बट वो गायब हो जाता है ऐसा बिल्कुल भी आपको नहीं करना है तो ऐसे में गाय आप लोगों को बहुत ज्यादा ईमेल आ रहे हैं एंड व्हाट्सएप पे आपको डीएम आ रहे हैं मैसेज आ रहे हैं व्हाट्सएप पे इंस्टाग्राम पर भी डीएम आ रहे हैं कि आप हमें हंड्रेड डॉलर दीजिए फाइव हंड्रेड डॉलर दीजिए हम आपके अकाउंट पर बोनस ऑप्शन शो कर देंगे इस तरह से वो आपको बोल रहे हैं आपको मैसेज कर रहे हैं ऐसे मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर को आया व्हाट्सएप पे एक बंदे को कल के दिन मैंने उसका अकाउंट हैक होने से बचाया एक बंदे को मैसेज आया कि आप मुझे 500 डॉलर दीजिए और अपना अकाउंट दीजिए मैं आपके अकाउंट पर क्या करूंगा बोनसेस ऑप्शन शो करके दूंगा। इंस्टाग्राम पर भी डीएम आ रहा है आप इतने डॉलर दीजिए और अपना अकाउंट मेरे को दीजिए पैसे दे पहले आपसे पैसे लेते हैं उसके बाद आपका अकाउंट लेते हैं और उसके बाद वो आपका अकाउंट ही हैक कर लेते हैं आपको अकाउंट रिटर्न नहीं करते और नहीं बोनस ऑप्शन शो करके आपके अकाउंट पर देते हैं अकाउंट को हैक कर लेते हैं इस तरह से आपको कोई भी ई आता है या कोई भी व्हाट्सएप पर आपसे कॉन्टेक्ट करता है या कोई भी डीएम करता है इंस्टाग्राम पर वो बोलता है कि इतने पैसे दो मैं आपके अकाउंट पर बोनसेस ऑप्शन शो करके दूंगा तो की बातों में नहीं आना वो एकदम फैक पर्सन है आपके अकाउंट को हैक करेगा ठीक पहले पैसे की डिमांड करेगा पैसे ले लेगा आपके पैसे तो बर्बाद हो ही जाएंगे पैसे तो आपके चले जाएंगे इसके बाद वो आपका अकाउंट लेगा और अकाउंट लेने के बाद वो आपसे आपका ईमेल वगैरह पासवर्ड वगैरह ले लेगा और सब कुछ चेंज कर देगा ई एड्रेस पासवर्ड वगैरह सब कुछ चेंज हो जाएगा और आपका अकाउंट हैक हो जाएगा इस तरह से कल से अब तक मेरे पास चार से पांच केस आ चुके अभी एक केस जो मेरे साथ उलझा था वो मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले वो सीन क्या हुआ यहां पर देखो मैं मैसेज में लेकर चलता हूं आपको यहां पर लेकर आ गया ये देखो आरुस केसकार क्या लिखा है भाई आरूस डॉट के सिक्सटीन केसरकार हाँ जी आरुष केसरकार है ये तो इसका ये अकाउंट नहीं है इसका जो पिछला अकाउंट है वो हैक हो गया अब हैक कैसे हुआ गैस गा देखो एक बंदा है जिसने जितने भी बड़े बड़े पॉपुलर यूट्यूबर है जो बड़े यूट्यूबर हैं उनके फेंक अकाउंट वो बनाता है वो ये काम करता है तो उस बंदे ने क्या काम किया मैं आपको बताता हूँ ये बंदा बेचारा मेरे ऊपर भरोसा करके मर गया अभी बताऊंगा सारी कहानी आपको यहां पर देखो मैंने एक स्टोरी लगा था भी मैंने आपको दिखाने के लिए हाईलाइट कर दिया है स्टोरी को ये रहा देखो एक बंदे ने सेम मेरा जैसा अकाउंट बनाया फेंक ये देखो यहां पर ये अकाउंट सो हो गया ये देखो ये अकाउंट सेम बंदे ने मेरा जैसा बनाया टेक्निकल सेब का सेम मेरा जैसा बना दिया तो इसका मेरे को भी मैसेज आया था तो फिर मैंने क्या किया इसको रिप्लाई किया जब मैंने इसको डांटा ना कि भाई तूने मेरे जैसा फेक अकाउंट क्यों बनाया और क्या स्कैम तू करने वाला है तो इस भाई ने मुझे ब्लॉक कर दिया मैंने स्टोरी लगा था देखो इस अकाउंट का स्क्रीन ले लिया मेरे नेम से फैंक अकाउंट है ये कोई भी अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन ना दे जबकि मैंने सबको अलर्ट कर दिया था अपने फॉलोअर्स को सब्सक्राइबर को स्टोरी लगाकर फिर भी स्कैम हो गया यहाँ पर देखो ये अकाउंट फेंक है एकदम आप खुद देख लो ये मेरा अकाउंट नहीं है भाई ये स्कैम कर रहा है बहुत सारे बंदों के साथ तो आपके पास भी इसका मैसेज आता है इस वाले अकाउंट से तो मत देना अपनी आईडी वगैरह पर्सनल इन्फॉर्मेशन वगैरह मत देना अभी तो ये अकाउंट अकाउंट है ही नहीं इंस्टाग्राम पर मैंने उसको उड़वा दिया ठीक उड़वा दिया क्या इसने खुद ही उड़ा दिया और मुझे ब्लॉक कर दिया था मेरा जो अकाउंट है आप यहाँ पर देख लो टेक्निकल सेप एट जिसके बीच में कोई भी स्पेस नहीं है कोई भी डॉट नहीं है उस बंदे ने मेरे नाम से कैसे अकाउंट बनाया टेक्निकल सेप स्पेस लगा के एट लगाया अकाउंट बना दिया फॉलोअर्स भी फाइव थाउजेंड देखो मेरे फाइव थाउजेंड नाइन हंड्रेड सेवेंटी फोर है और इस अकाउंट पर फाइव थाउजेंड थर्टी वन है तो अकाउंट तो वो फैंक है ही पूरी तरीके से इस तरह से उसने क्या किया मेरे सब्सक्राइबर के पास मैसेज किया इस भाई के पास इसके पास बोनस का ऑप्शन था इसको बोला कि मैं हंड्रेड डॉलर दूंगा आपको करके कंप्लीट अपना अकाउंट दो अपनी ईमेल आईडी दो और पासवर्ड इस भाई ने भरोसा किया बिकॉज ये भाई मुझे बता रहा था कि सर मैं आपका बहुत बड़े वाला फैन हूं ये भाई मुझे बता रहा था कहने लगा मैं आप पर बहुत ज्यादा भरोसा करता हूं अब मुझे नहीं पता था कि ये हैकराउंट है अकाउंट है आपके जैसा इसलिए मैंने आप पर भरोसा किया और अपना अकाउंट दे दिया आपने स्टोरी लगाया मैंने देखा फेंक अकाउंट और मैंने तो अपनी ईमेल आईडी वगैरह दे दी तो ये भाई तो यहाँ पर देखो मुझे बहुत कुछ बता के गया है तो फिर उस हैकर ने क्या किया इनके अकाउंट को ले लिया ये है इनका अकाउंट देखो ये अकाउंट इनका है ये अकाउंट उस भाई ने ले लिया मतलब जिसने मेरा जैसा सेम अकाउंट बनाया मेरा बड़े वाला फैन जी जितने भी मेरे फॉलोअर्स हैं यहाँ पर फॉलोअर लिस्ट में अभी देखो पहले मैं आपको बताऊँ तो हूँ ये अकाउंट कितने का सेल हुआ है यहाँ पर देखो यार लेने वाले भी पागल ही है और भाई हमारा नाम चलता है ना टेक्निकल सेप हमारा बोल रहा हूँ मेरा तो लोग भरोसा ज़्यादा कर लेते हैं तो मैं आपको बताऊंगा मैं क्या हूँ क्या नहीं हूँ और कैसे हेल्प करता हूँ लोगों की और कैसे आईडी लेता हूँ मेरे पास ऐसी भी आईडी आती है जिनकी आईडी का नंबर पासवर्ड मुझे दिया जाता है जिन पर हजारों में लाखों में मिलियन में फॉलोवर्स हैं मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ अपने आई लेता हूँ आपसे आपसे आई आप आप लेता हूँ पूरी जिम्मेदारी के साथ और पूरी जिम्मेदारी के साथ आई को रिटर्न करता हूँ रिटर्न टाइम बोल देता हूँ भाई अभी पासवर्ड चेंज कर लो अपना एक मिनट की भी जिम्मेदारी नहीं है पासवर्ड चेंज मैं करवा देता हूँ अब ये भाई भी बोल रहे है, देखो यहां पर सर मैं भी आपका बड़े वाला फैन हूं यहाँ पर देख लो यार मुझे भी पता है मैं भी आपका ही फैन हूं और वो भी बड़े वाला ये भी यही बोल रहा है एक बंदे ने जो हैकर था उसने मुझे कॉन्टेक्ट किया और भाई मैंने उससे आई डी टेन थाउजेंड रुपये में ये खरीद ली अब इस आईडी पर बोनस ऑप्शन भी है और कितने डॉलर है इस भाई ने बताया यहां पर मैंने इसको बोला यार दिमाग नाम की भी कोई चीज होती है क्या जो तूने ये इतनी महंगी आईडी ले ली तो इस भाई ने बोला यहाँ पर देखो कि उस आईडी पर सिक्सटी डॉलर है इसलिए मैंने ये आईडी डी टेन थाउजेंड में बाय कर लिया यहीं पर लिखा हुआ था पता नहीं कहाँ पर गायब हो गई अब मैं बोल रहा हूँ भाई तू उसकी आईडी उसको रिटर्न कर दे इस भाई की आईडी है ये बंदा मेरे से रिक्वेस्ट कर रहा है इनकी मैंने दोनों की बात करा दी वैसे तो ये भाई बोल रहा है मेरी आईडी भाई मुझे वापस दिला दे मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत कर रखी अब मैं उसको जाके बोल रहा हूँ भाई इसकी आईडी रिटर्न कर दे तो ये बोल रहा है कि मैंने तो उधार पैसा लिया है अब इनका केस मैं कैसे सुलझ रहा हूँ मेरे को समझ में नहीं आ रहा केस सोल्व होगा कैसे मैं भी परेशान आ गया वो पैसे मांग रहा है क्योंकि उसने पैसे दे के लिए है आई और जो हैकर से है वो तो गायब हो गया बीच में से मतलब यार मेरे दोनों सब्सक्राइबर के साथ स्कैम कर गया मेरी फॉलोअर लिस्ट में जितने फॉलोअर्स थे ना उनको सबको वो मैसेज कर रहा था एक तरफा इवन मेरे को भी मैसेज किया तो मैंने तो उसको डांट दिया उसने अकाउंट ही मेरा ब्लॉक कर दिया था और अब तो अकाउंट परमानेंटली उसने डिलीट कर दिया तो गैज़ मेरा जो रियल नेम है इंस्टाग्राम पर टेक्निकल सेप ए टेक कोई भी स्पेस नहीं है अगर मैं आपको मैसेज करता हूँ और आपकी ईमेल आईडी और पासवर्ड लेता हूँ आपका अकाउंट मैं लेता हूँ तो सबसे पहले मुझे भी यह बोलना कि सर पहले आप वीडियो कॉल कीजिए वीडियो कॉल में अगर मैं आता हूं तो आईडी डी बेफिक्र होकर दे दीजिए मैं जिम्मेदारी के साथ लेता हूं और जिम्मेदारी के साथ आईडी को रिटर्न कर देता हूं और मैं हर उसमें नहीं लेता मैं कभी कभी लेता हूं जब कोई एरर आता है इंस्टाग्राम का जिसके अकाउंट पर आ रखा है उसका एरर निकालता हूं जब लेता हूं इसके अलावा मैं किसी की भी आई नहीं लेता बोनस के, के केस में तो मैंने किसी की भी आईडी नहीं लिया तो इस तरह से भाई किसी पर भी बिलीव मत करो अगर अगर मैं भी आपको अपने ऑफिशियल अकाउंट से आपको क्या करता हूँ मैसेज और आपकी आईडी का पासवर्ड वगैरह मांगता हूँ तो सबसे पहले बोलना भाई वीडियो कॉल कर अगर वीडियो कॉल पर मैं हुआ तो दे देना बेफिक्र होके अदरवाइज और कोई पर्सन हुआ तो मत देना उसको चाहे वो मेरा छोटा भाई क्यों ना बता दे मेरा कोई भाई नहीं है वैसे तो बट मत देना किसी को भी भरोसा करके ठीक अगर मैं हूँ वीडियो कॉल पर तो अपनी आई का नंबर पासवर्ड दे देना अदरवाइज मत देना ठीक ये बात याद रखना और आज से एक बार ठान लो अगर कोई आपको स्पॉन्सर्ड कर रहा है इस तरह का भी हैकिंग चल रहा है वो स्पॉन्सर्ड आपको करता है 500 डॉलर का और बोलता है पर्सनल इन्फॉर्मेशन में, में मेरी ईमेल आईडी ऐड कर दो और फिर वो पासवर्ड चेंज कर देता है आपका कहीं पर भी किसी को भी अपने अकाउंट की पर्सनल इन्फॉर्मेशन ना दो स्क्रीन शॉट ना दो किसी को मत बताओ मेरी कौन सी ईमेल आईडी ऐड है और किसी को भी अपना मोबाइल ना दो और किसी को भी अपना पासवर्ड न बताओ पासवर्ड को स्ट्रॉन्ग कर लो टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन अभी के अभी ऑन कर लो अपने अकाउंट को सेफ्टी रखो कोई भी स्पॉन्सर्ड आता है अगर आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन मांगता है ईमेल आईडी मांगता है पासवर्ड मांगता है तो मत दो कोई भी आपको बोल रहा है कि यहां पर लॉग इन कर अपने अकाउंट से ईमेल दे या नंबर दे या यूजर नेम दे और पासवर्ड दे लॉग इन कर वहां पर मत करो कोई भी आपको बोल रहा है कि इतने पैसे दे बोनस ऑप्शन दूंगा शो करके अपना अकाउंट दे किसी को भी मत दो इस तरह से आपके साथ बड़े वाला फ्रॉड चल रहा है इंस्टाग्राम पर तो भाई साहब मैं तो सबसे यही बोल रहा हूँ मैं किसी के साथ स्कैम नहीं करता आज तक जितने भी लोगों की हेल्प की है फ्री में की है और जिसकी भी अकाउंट मैंने आज तक लिया है उसका मैंने रिटर्न कर दिया मेरे से किसी को कोई शिकायत नहीं है आज तक की और जो ऐसे मेरे जैसे फैंक अकाउंट बना रहे हैं मेरा जैसा सेम वो भी आपको मैसेज कर रहा है तो उसके बेकावे में मत आए और टेक्निकल स्टेप तो कभी पैसे मांगता ही नहीं उससे पैसे मांग रहा था वो डायरेक्ट मेरे जैसा अकाउंट बना के मतलब बिजनेस चलाने चाह रहा था ऐसे ही अगर बड़े यूट्यूबर कोई भी है किसी का भी आपको मेल आ रहा है मैसेज आ रहा है कुछ भी आ रहा है तो किसी की भी बातों में मत आओ वीडियो कॉल पे पहले उसको देखो कि वही यूट्यूबर है या कोई और है हैकर जाल में मत फंसो तो आई होप आपकी समझ में सब कुछ आ गया होगा वीडियो को यहीं पर एंड करता है वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को और भी प्रेस कर देना मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में टेक केयर एंड बाय